भगवान विष्णु के अवतार त्रेता युग में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कलयुग में उनके नाम पर कैसे कैसे खिलवाड़ होंगे। सप्तऋषियों में से एक ऋषि वाल्मीकि ने जो लिखा वही राम ने किया, यही रामायण कहलाई। लेकिन कलयुग में राउत द्वारा रची गई रामायण को 5 दिन में बदलना पड़ा। आज बात इसी राउत की रामायण यानी फिल्म आदि पुरुष में किए गए बदलावों की है। शुरू से ही विवादों में घिरी आदि पुरुष को लेकर राउत ने अपनी फिल्म के विवादित डायलॉग्स को बदल दिया है। यह बदलाव फिल्म की रिलीज के बाद हो रहे विवादों के कारण किया गया। फिल्म आदि पुरुष पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस फिल्म का शुरू से ही विवादों का नाता रहा है। इस फिल्म की कास्ट डिक्लेयर होने के बाद से ही यह फिल्म विवादों में रही। पहले रावण की भूमिका निभा रहे सैफ अली खान को लेकर इस फिल्म का पहला विवाद सामने आया तो कुछ लोगों ने इस फिल्म में रावण की भूमिका निभाने वाले सैफ अली खान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल इस फिल्म में रावण की भूमिका में सैफ अली खान नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की कास्ट घोषित होते ही इस फिल्म से जुड़ा पहला विवाद शुरू हो गया। लोगों का मानना था कि रावण की भूमिका में सैफ अली खान को लेना गलत है। इतना ही नहीं, एक वकील आशीष राय ने इस फिल्म के मेकर ओम राउत, टी सीरीज के भूषण कुमार, कृति सेनन, प्रभास और सैफ अली खान को लीगल नोटिस भी भेजा था। नोटिस में कहा गया था कि फिल्म के प्रोड्यूसर और आर्किटेक्ट द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। इस फिल्म में रामायण के कैरेक्टर्स को इस्लामीकरण के रूप में पेश किया गया है, जिसका मतलब है कि आदि पुरुष के फिल्म निर्माता और कलाकारों ने हिंदू ग्रंथ रामायण के कैरेक्टर्स को नुकसान पहुंचाया है। आदि पुरुष के टीजर में रामायण के किरदार की छवि के साथ छेड़छाड़ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा। आदि पुरुष के डायलॉग राइटर मनोज ने हालांकि विवाद के बाद कई बार सफाई दी, लेकिन कोई भी सफाई ठेस पहुंची आस्था पर मरहम नहीं लगा सकती। यही कारण है कि फिल्म के विवादित डायलॉग को आखिरकार बदल ही दिया। मूवी में पहले डायलॉग था, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब मेकर्स ने बाप की जगह लंका शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए अब डायलॉग हो गया है, कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की और जलेगी भी तेरी लंका की, जैसा कि वादा किया गया था। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जिंदगी भी तेरी लंका ही। आदि पुरुष के मेकर्स ने मूवी में कुछ डायलॉग्स को बदल दिया है। लोगों को इसकी टपोरी भाषा के कारण आपत्ति थी। डायरेक्टर ओम राउत, को राइटर मनोज मुंतशिर और प्रोड्यूसर टी सीरीज और यूवी क्रिएशंस ने वादा किया था कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कुछ विवादास्पद डायलॉग्स को बदल दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी, लेकिन कोई भी सफाई ठेस पहुंची आस्था की भरपाई नहीं कर सकती। जो चरित्र हैं, उनकी भाषा चरित्र के हिसाब से ही होगी। और जो कमी है, मैं बताता हूँ, कमी हमारी ये है कि हम बहुत इस बात से अफेक्टेड हो जाते हैं तुरंत। कुछ लोग हैं जो फिल्म को टारगेट आज से नहीं, डे वन से कर रहे हैं। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी। लेकिन शुद्धता कभी मकसद नहीं था, मकसद था पेनिट्रेशन, मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूं, ये बहुत दुखद सत्य है, मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं।
आदि पुरुष के लिए लिखे गए डायलॉग्स का बचाव करने के एक दिन बाद मनोज ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और वादा किया कि मेकर्स कुछ पंक्तियों में विवादास्पद भाषा को बदल देंगे। उन्होंने लिखा, मैं अपने डायलॉग्स के पक्ष में अनगिनत दलीलें दे सकता हूं, लेकिन इससे आपका दर्द कम नहीं होगा। मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने तय किया है कि कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो आपको ठेस पहुंचा रहे हैं। हम इन्हें रिवाइज करेंगे और इन्हें इसी हफ्ते फिल्म में जोड़ दिया जाएगा। श्री राम आप सभी का भला करें। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विवादों को दूर करने के लिए आदि पुरुष फिल्म से कुछ डायलॉग भले ही बदल दिए गए हों, लेकिन पहले ही दिन से यह फिल्म विवादों में रही। फिल्म आदि पुरुष और विवाद का मानो चोली दामन का साथ है। इस फिल्म के साथ विवादों का शुरू से ही नाता रहा है। यह फिल्म शुरू से ही विवादों में रही है। पहले यह फिल्म अपने कास्ट को लेकर विवादों में घिरी। फिल्म आदि पुरुष पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस फिल्म का शुरू से ही विवादों का नाता रहा है। इस फिल्म की कास्ट डिक्लेयर होने के बाद से ही यह फिल्म विवादों में रही। पहले रावण की भूमिका निभा रहे सैफ अली खान को लेकर इस फिल्म का पहला विवाद सामने आया तो कुछ लोगों ने इस फिल्म में रावण की भूमिका निभाने वाले सैफ अली खान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल इस फिल्म में रावण की भूमिका में सैफ अली खान नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की कास्ट घोषित होते ही इस फिल्म से जुड़ा पहला विवाद शुरू हो गया। लोगों का मानना था कि रावण की भूमिका में सैफ अली खान को लेना गलत है। इतना ही नहीं, एक वकील आशीष राय ने इस फिल्म के मेकर ओम राउत, टी सीरीज के भूषण कुमार, कृति सेनन, प्रभास और सैफ अली खान को लीगल नोटिस भी भेजा था। नोटिस में कहा गया था कि फिल्म के प्रोड्यूसर और आर्किटेक्ट द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। इस फिल्म में रामायण के कैरेक्टर्स को इस्लामीकरण के रूप में पेश किया गया है, जिसका मतलब है कि आदि पुरुष के फिल्म निर्माता और कलाकारों ने हिंदू ग्रंथ रामायण के कैरेक्टर्स को नुकसान पहुंचाया है। आदि पुरुष के टीजर में रामायण के किरदार की छवि के साथ छेड़छाड़ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा। आदि पुरुष पर विवाद केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस फिल्म के कंटेंट को लेकर नेपाल में भी इस फिल्म का विरोध किया गया और काठमांडू के मेयर ने भारतीय फिल्म और आदि पुरुष पर बैन लगा दिया। यही कारण है कि फिल्म मेकर्स ने एक पत्र लिखकर नेपाल में काठमांडू के मेयर से माफी मांगी और अपनी गलती सुधारने का आश्वासन भी दिया। आदि पुरुष का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी रिलीज के बाद से विरोध हो रहा है। नेपाल में प्रभास और कृति सेनन स्टार फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। काठमांडू के मेयर ने मेकर से माफी मांगने के लिए कहा था और फिल्म में एक गलती को सुधारने की मांग की थी। नेपाल में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के बाद आदि पुरुष के मेकर्स ने काठमांडू के मेयर से माफी मांगी है। माफी मांगते हुए मेकर्स ने नेपाल की राजधानी में हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया। दरअसल आदि पुरुष में देवी सीता को भारत की बेटी बताया गया था, जिससे नेपाल के लोग नाराज थे। सीता के जन्म का सदियों से विवाद है। भारतीयों का कहना है कि सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था, जबकि नेपाल दावा करता है कि नेपाल के जनकपुर में सीता का जन्म हुआ था। इसलिए नेपाल ने सीता को भारत की बेटी बताने पर आपत्ति जताई थी और आदि पुरुष सहित हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया था। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आदि पुरुष को लेकर आज देश भर में बैन करने की मांग के बीच रामानंद सागर जी रामायण में मां सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका छिखलिया का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है। नमस्कार। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ये रील बनाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए और नहीं बनाना चाहिए। मैं फिल्म आदि पुरुष के बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहती, कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ। मैंने फिल्म देखी भी नहीं, लेकिन मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ कि हर थोड़े थोड़े समय में रामायण आती है।
चाहे वो फिल्म में हो चाहे वो टेलीविजन सीरियल में। रामायण हमारे लिए हमारी धरोहर, सनातनियों के लिए धरोहर है। और मुझे ये लगता है कि अब रामायण को नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हर बार जब बनती है तो कोई ना कोई वाद विवाद खड़ा होता है। रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूजनीय है, चाहे वो राम जी हो, सीता जी हो या हनुमान जी। बल्कि रामायण को स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में आप सिखाइए, पढ़ाइए, दिखाइए, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को एक नई सोच दे सकती है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं किसी के बारे में किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। माय ओनली इंटेंशन इज कि जो हमारे देश की धरोहर है उसका हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए और रक्षा भी करनी चाहिए। अब सिनेमाघरों में पहुंचने वाले दर्शकों को वहां विवादित डायलॉग सुनने को नहीं मिलेंगे। भले ही डायलॉग को फिल्म में बदल दिया गया हो, लेकिन माता जानकी के जन्म स्थान को लेकर विवाद पुराना है। जहां नेपाल के लोग माता सीता का जन्म नेपाल में बताते हैं, भारतीय लोग माता सीता के जन्म को भारत में बताते हैं। ये बड़ा सवाल है कि राउत अब आखिर माता सीता के जन्म को कहाँ दर्शाते हैं। अगर वह माता सीता के जन्म को नेपाल नहीं दर्शाते तो उनकी माफ़ी मांगने के बाद भी नाराज़गी बनी रहेगी, और अगर वह ऐसा करते हैं तो भारतीयों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। विशेष में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।